नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं, ऐसे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी चुनावी मोड में आ गई है। आरएलपी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला लेकर सभी को चौंका दिया है। प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग को हटाने के साथ ही प्रदेश व जिला कार्यकारिणियों को भी भंग कर दिया गया है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और बीजेपी को चुनौती देने के लिए नई टीम बनाने के साथ मैदान में उतरने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान दिया था और कहा था कि पायलट अगर उनकी पार्टी में आना चाहते हैं या फिर एक नई पार्टी बनाते हैं और हनुमान बेनीवाल की पार्टी से समर्थन जो है वो चाहते हैं तो इसके लिए वो तैयार हैं। हनुमान बेनीवाल ने इसकी जानकारी ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के निर्देशों के अनुसार आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश मंत्री, प्रवेश प्रवक्ता सहित संपूर्ण राज्य कार्यकारिणी व समस्त संबंध प्रकोष्ठों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उसके साथ साथ जो तमाम जिम्मेदारियां दी गई थी उनको जो है वो तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है और ये चुनाव से पहले जो है वो किया जा रहा है फैसला। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, जल्द ही नई कार्यकारिणी का ऐलान किया जाएगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राजू खोजा ने बताया कि बदलाव पार्टी ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया है। जल्द ही पार्टी की ओर से नई कार्यकारिणी घोषित की जाएगी, उसमें युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ने का काम किया जाएगा जिससे विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सके। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग हनुमान बेनीवाल के करीबी माने जाते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग को हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया है, जिसकी उम्मीद जो है वो किसी ने नहीं की थी। अब ये देखना होगा कि चीज़ें यहाँ पर किस तरीके से बदलती हुई नज़र आएंगी। क्या सचिन पायलट जो है वो अपनी पार्टी बनाएंगे, क्या हनुमान बेनीवाल उनको समर्थन देंगे और अगर समर्थन देते हैं तो चुनाव में किस तरीके से जीत हासिल करते हुए पार्टी नजर आएगी।